You have mentioned a name. It's a proscribed organization. The gentleman is in under house arrest. But I agree with you that on that score, on that account, we have to do more. कलगम तंजीमे पाकिस्तान पर बोझ करार, जान छुड़ाने के लिए वक्त दरकार. तन्हा जिम्मेदार नहीं, 80 की दहाई में अमरीकी आलाकार बनने का खुमियाजा भुगत रहे हैं. वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी की तकरीब से खिताब. अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए कोशिशों में तेजी. शाह महमूद की इमरान खान को ब्रीफिंग. एम क्यू एम की हिमायत. काफ लीग, जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी और ए एन पी की मुखालफत. खुर्शीद शाह को हटाना पार्लियामेंट के लिए खतरनाक होगा. बिलावल की वार्निंग. अपोजिशन लीडर को हटाने के मामले पर तहरीक इंसाफ में फूट. शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन ग्रुप आमने सामने. सिर्फ इमरान खान को ही ऑपोजिशन लीडर मानेंगे. लोधरा ग्रुप डट गया. तहरीक इंसाफ को ऑपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए नंबर पूरे करने की फिक्र. जैसे काम मुकम्मल हुआ उम्मीदवार का नाम सामने आ जाएगा. फवाद चौधरी का ऐलान. इसाक डार के इस्तीफे का मुतालबा क्यों निकाला के जवाब में आगही मुहिम का फैसला. मुखालिफीन की कोशिशें नाकाम होंगी. खुर्शीद शाह ही ऑपोजिशन लीडर रहेंगे. हुक्मरान मुल्क को इंतशार की जानिब ले जाना चाहते हैं. पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस. वजीर खजाना इसहाक डार से इस्तीफे का मुतालबा. से जायद असासों का इल्जाम. वजीर खजाना पर फर्द जुर्म आयद. बेगुनाही साबित करूंगा. इसहाक डार का सेहत जुर्म से इनकार. अगली पेशी पर हाजिरी यकीनी बनाएं. एहतसाब अदालत का हुक्म. दो बैंक ऑफिसर गवाही के लिए 4 अक्टूबर को तलब. घंटों में फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती. इसहाक डार के इस्तदा को नहीं सुना गया. तारिक फजल चौधरी का मौकिफ. करप्शन का इल्जाम नहीं. कानून के तकाजे पूरे हुए तो इंसाफ मिलेगा. तलाल चौधरी का रद्द अमल. अदालतों का सामना करेंगे. वोट का तकद्दस बहाल कराने के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे. नवाज शरीफ पुरअज़्म. पार्टी रहनुमाओं और शहबाज शरीफ से मुलाकात. जल्द बरतानिया रवानगी का इम्कान. तौहीने अदालत के इमरान खान के वकील का इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा. वारंट मुअत्तल करने के फैसले में 11 अक्टूबर तक तौसी. 12 अक्टूबर तक हाईकोर्ट का फैसला न आया तो हुक्म जारी कर देंगे. चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क. एनए 120 का जिमनी इंतखाब. बेगम कुलसुम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी. तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद को शिकस्त दी थी. बेगम कुलसुम नवाज की तबीयत खराब. फिर लंदन के अस्पताल में दाखिल. डॉक्टर्स वालिदा की तबीयत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं. मरियम नवाज का ट्वीट. कौम से दुआओं की अपील. बड़ा नाम बनाने के लिए बड़ा काम. जमशेद दस्ती ने कानूनी दाव पेच सीखने के लिए LLB में दाखिला ले लिया. 16 अक्टूबर से क्लासेस लेने का फैसला. हल्के इंतखाब की मुनासबत से 178 रोल नंबर जारी. मोदी सरकार को पागलपन का एक और दौरा पड़ गया. कंट्रोल लाइन पर नकियाल सेक्टर में गोलाबारी. फायरिंग से नौजवान शहीद. 4 अपराध जख्मी. पाकिस्तानी फोर्सेस का भरपूर जवाब. दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान. कराची सेंट्रल जेल में कलदम तंजीमों के कैदी. कारिंदों की दाइश के लिए भर्ती का इंकशाफ. 2 साल से काम जारी. 7 अफराद जेर हिरासत. 12 मुलजमान जमानत पर रिहाई के बाद गायब. गिरफ्तारी के लिए घरों पर छापे. तलाश
تلاشی کی اجازت نہ دینے پر سی ٹی ڈی اور کراچی جیل انتظامیہ کا پھڈا. منشیات بکنے سے متعلق قیدی کا بیان مبینہ طور پر ایس ایس پی سی ٹی ڈی سے ملاقات کے بعد خیرپور میں ریکارڈ کیا گیا. حکام نے تحقیقات شروع کر دی. سرگودھا کے علاقے سلام علی میں افسوسناک واقعہ. سٹون کرشنگ میں مصروف مزدوروں پر پہاڑی تودا آن گرا. چار لاشیں نکال لی گئیں. چار کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری. آپریشن رد الفساد ملک بھر میں کامیابی سے جاری. ایف سی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں. کالعدم تنظیم کے تین کارندے گرفتار. بحریہ ٹاؤن کی جانب سے سمرقند میں امام بخاری سائنسی تحقیقی سینٹر بنانے کے لیے $100,000 کا عطیہ. رقم ازبکستان کے سفیر کے حوالے. ٹماٹر بحران سے شہری پریشان. سوشل میڈیا پر بھی 28 ستمبر تک خریداری روکنے کی مہم. لاہور میں 220 روپے میں فروخت. پیاز اور دیگر سبزیاں بھی مہنگی.